अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सही भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ना, ये मैं पिंजरा ऊपर लेके आया हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा मैं कैसे ऊपर लेके आया हूँ, और अभी मैं ये जो है ना क्लीन करने लगा हूँ, साफ़ करने लगा हूँ, क्योंकि 2 से 4 दिन हो गए हैं मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की, कोई क्लीन वगैरह नहीं किया जो है ना। अभी नीचे कॉलोनी भी क्लीन करने वाली रहती है। तो दोस्तों, आज मैं जो है ना, ये मैंने भिगो दिया था कि यार चलो जो है ना, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था भिगो के, तो मैं अभी आया हूँ। तो मैंने कहा कि चलो यार ये जो है ना साफ़ किया जाए, तो देखें मैं कैसे क्लीन करता हूँ। सबसे पहले आपने अगर जो है ना रोज़ाना साफ़ करते हो दूसरे दिन तीसरे दिन तो ठीक है, वरना अगर 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद कर रहे हो आप साफ, तो जो है ना पहले थोड़ा सा भिगो लेना है ताकि जो है ना नरम हो जाए जो पीछे वगैरह इनकी, तो फिर आसानी से जो है ना साफ़ हो जाता है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे साफ़ कर रहा हूँ। ब्रश से भी जो है ना अच्छी तरह से साफ हो जाता है। वैसे मैंने ये इसे इसलिए किया था कि लोहे की पतली से कि ताकि जो है ना अभी नहीं ना नरम हुई पीछे वो मैंने उतारी थी। तो वैसे ये भी जो है ना कपड़े धोने वाला ब्रश, जो भी कोई ब्रश हो तो इसे भी ठीक अच्छे तरीके से साफ हो जाता है।
अगर आपने लकड़ी का ये जो केज है ये ऐसे दो धोना है ना, क्लीन करना है, तो आपने इसको कम से कम घंटा डेढ़ धूप में पानी में रखना है कि ताकि जल्दी से सूख जाए और जो लकड़ी है इसको नुकसान ना हो, अपने पिंजरे को ना कोई नुकसान ना हो केज को। उसी साथ साथ ही ना हमने क्लीन करके साफ करते जाना है ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ये मैंने जो है ना क्लीन कर दिया, धो दिया पिंजरे को केज को, तो अभी थोड़ा बहुत जो है ना ये देखें ना ये भी रहते हैं इनके पार वगैरह ना लगे हुए हैं, ये अभी मैं पेंट करूँगा आजकल में, तो फिर मैं इसको साफ करके अच्छी तरह से सूख जाएगा साफ करके फिर पेंट करूँगा। तो अभी दोस्तों हम इसको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर रखेंगे धूप में। पहले हम दरवाजे बंद कर लें, फिर हम इसको दूर में रखेंगे। Thank you.
दोस्तों ये हमने धूम में रख दिया, जो लेके ये वहाँ पे पत्तों के साथ जाना आ गया था। ये यहाँ पे जो है ना अभी एक कील लगा लेंगे, थोड़ी देर ठहर के यहाँ पे एक कील लगा देंगे, अभी इसको सूखने देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने गेज जो है धो के यहाँ पे रख दिया है, अभी ये जो है ना सूख जाएगा, सूख जाएगा तो फिर जो है ना घंटा डेढ़ यहाँ पे पड़ा रहेगा, फिर यहाँ से उठा के वहाँ पे वापस शिफ्ट करूँगा। उसके लिए जो पानी वगैरह है ये सारे साफ़ सफाई वगैरह मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।